this could be us. So back to what I was saying. This could be us. ओके ओके, तो मैंने क्या सोचा है आज की मीटिंग के बारे में कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं लेते हैं, नॉर्मल सारे टॉपिक्स के जो आपको डाउट्स है उनको लेते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं लेंगे, सारे डाउट्स होंगे वो लेंगे। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएमसी पे कोई डाउट है तो वही पूछो, किसी को मैं देख रहा हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत डाउट, ऑप्शन पिक करें क्या करें इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है, किसी को साइकोलॉजी का कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन से रिलेटेड या एसएमसी से रिलेटेड ही पूछना है, तो कुछ भी पूछ सकते हो, और एसएमसी से रिलेटेड डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और सब लोग इंटरेक्शन करते रहना, साथ में बोलते रहना, तभी मजा आएगा, वरना बोरिंग लगती है। एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो हरप्रीत भाई। जब हमारे जोन में डाइव करता है, आप कई बार ग्रुप में बताते हो कि अभी ये ट्रेड रिस्की है ना, या वगैरह अभी मोमेंटम लॉस नहीं हो, ये आप किस बिहाव पर बताते हो? देखो ये मैं रुको, मैं समझ नहीं पाया अच्छे से क्वेश्चन, लेकिन जो मैं समझा हूँ आप ये बोलना चाहते हो कि मान लीजिए मैंने ये जोन बनाया है, यहाँ पे एक जोन फॉर्मेशन किया है, आपका कहना है कि मैं कभी कभी कह देता हूँ कि ये जोन रिस्की हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। हाँ भाई, यही बात है। ये मैं कह देता हूँ, ये मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि प्राइस का रिएक्शन देखो, अगर प्राइस यहाँ पर कैसे रिएक्ट नीचे को कर रहा है, हायर हाइस हायर लोस बना रहा है, अगर आप देखोगे तो ये देखो ना, सॉरी लोअर हाइस लोअर लोस बना रहा है, इसका मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्राइस चल रहा है। लेकिन जिस समय प्राइस यहाँ पर रिटर्न करेगा, 5 मिनट का टाइम है, 3 मिनट पे चलो, क्योंकि एंट्री तो देखो 5 मिनट में जोन बना रहा है तो ऑफकोर्स बंदा 3 मिनट या 1 मिनट पे जाएगा ही जाएगा, तो 1 मिनट में चलते हैं। प्राइस देखो यहाँ तो बहुत परफेक्टली ऊपर को आ रहा है, ऊपर को जब प्राइस रिटर्न कर रहा है, पुल बैक ले रहा है जोन की तरफ को, वो एक परफेक्ट तरीके से कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कुछ, ये वाला एरिया देखो जो ब्लैक कैंडल्स है, सिर्फ ऐसे तरीके से प्राइस ऊपर को आ जाता, ऐसे ही नीचे को आया है, ऐसे ही ऊपर को आया था, तो एक परफेक्ट जोन नहीं रहता यहाँ पे, तो मैं कहता थोड़ी इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। कहने का मतलब भाई, जब हमारे जोन में डाइव करें और कैंडल्स का वॉल्यूम कम होना चाहिए, वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रेंज बनाते हुए स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हुए प्राइस डिमांड या सप्लाई को टैप करना चाहिए। नहीं नहीं भाई, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब हमारे खड़े हैं, भाई बोलो शिवम भाई। वो मैंने कुछ चार्ट पैटर्न्स के लिक्विडिटी के बारे में सोचना था। हाँ हाँ पूछो पूछो, मैं याद है आपका डाउट याद है, पूछो, चलो उसी को डिस्कस करते हैं। कि मतलब कब हमारे वो कैसे हमारे फेक ब्रेकआउट है, या मतलब सही ब्रेकआउट है लिक्विडिटी? रुको मैं एक मिनट रुको, यही है ना आपका आईडी? ठीक है, इसी में देखते हैं आप क्या भेज रहे हो। ओके, एक्सिस बैंक, ये आपने इसको मेरे ख्याल से राइजिंग वेज बोलते हैं, या आप पैरेलल चैनल कुछ भी बोल सकते हो, पैरेलल चैनल ही लग रहा है मुझे एक तरीके से अभी। राइजिंग वेज भी, हाँ राइजिंग वेज में थोड़ा सा हमारा स्लैंटिंग होगा, ये ट्राइंगल की तरह, ये पैरेलल चैनल बोल सकते हैं, मेरे को पैरेलल लग रहा है ये। ठीक है, इसमें क्या तरीके की लिक्विडिटी होती है, देखो मैं समझाता हूँ, चार्ट में समझाता हूँ, एक्सिस बैंक का हमारा इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम डाउट। ठीक है, सेम सब डिमांड है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारी दो टाइप की लिक्विडिटी के ट्रेंड लाइंस हैं। इसको आप भूल जाओ कि यहाँ पर, आप लोग सबसे पहले ये भूल जाओ कि यहाँ पर कोई हमारा पैटर्न बन रहा है, आप बस इतना ध्यान रखो कि हमारा यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, और हमारा एक पैरेलल चैनल बोलो या कुछ भी आप बोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, पैटर्न बन रहा है, प्राइस ऐसे रिएक्ट कर रहा है, प्राइस आ रहा है हमारा इस तरीके से आ रहा है, हायर हाइस हायर लोस फॉर्मेशन करेगा ये, इस तरीके से हमारा प्राइस जब आएगा तो यहाँ से देखो ट्रेडर्स क्या करते हैं, देखो जो हम सबसे पहले लेते हैं रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटेलर्स के लिए ये सप्लाई जोन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे लिए सप्लाई जोन क्या रहता है, रिटेलर्स तो रेजिस्टेंस पर ट्रेड करेंगे, उनके लिए रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब मल्टीपल टाइम्स
रेजिस्टेंस को प्राइस टच कर लेगा लेकिन ब्रेक नहीं कर पाएगा, उतनी ज्यादा हाई प्रोबेबल चांसेस होंगी कि वो रेजिस्टेंस अब ब्रेक होने वाला है। उन लोगों के लिए यही होता है, रिटेलर्स आपको पता होगा ये चीज, ठीक है, कि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है, जितने बार उसने प्राइस टैप कर दे तो उतने ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उतने ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अब ये ब्रेक होगा तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमको मिलेगा। और जितने बार एक या दो ही बार प्राइस ने टच किया है रेजिस्टेंस को, किसी रेजिस्टेंस को, तो इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रहता है, उसकी ब्रेक होने की चांसेस भी होती है लेकिन नहीं कह सकते इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। जितने बार प्राइस उसको टच करके वीक करेगा फिर ब्रेकआउट देगा तो वो स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन हमारे उसमें ऐसा नहीं होता है, हम सप्लाई पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई है, देखो अब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है या पैरेलल चैनल बन रहा है, यहाँ पर नॉर्मल सी है, दो ट्रेंड लाइंस लिक्विडिटी बन रही है, रेंज के अंदर प्राइस चल रहा है, हायर हाइस हायर लोस बन रहा है, ऊपर सी होती है ये वाली जो होती है, ये हमारे वीक हाइस बनते हैं, वीक हाइस बनते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, यही होता है राइजिंग वेज जो या पैरेलल चैनल कुछ भी लो, आपके एक्सिस बैंक में चार्ट में यही हो रहा था। मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो वीक हाइज बनते हैं, ओके वीक हाइज बनते हैं और ये कैप्चर्ड लोज होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लोज होते हैं, इन लोज का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हम कह सकते हैं। ये होते हैं वीक हाइज और इनके ऊपर भी, इनके नीचे भी और इनके ऊपर भी, हर जगह लिक्विडिटी होती है। ये वीक हाइज होते हैं ये तो ब्रेक हो जाते हैं, इनकी लिक्विडिटी ली जाती है लेकिन इनकी नहीं ली जाती है, किस जोन पर ट्रेड करना है वो हम लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप से देखते हैं। तो अभी के लिए ये नहीं देखना है हमको, अभी हमको देखना है हमको ट्रेड कैसे लेना है या रिटेलर और एसएमसी ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस क्या है। तो हमारे लिए ये चीज़ है, यहाँ पर से रिटेलर्स के लिए तो एक परफेक्ट चैनल पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, चैनल का भी ब्रेकआउट हो जाएगा तो वो लोग बाय करेंगे, लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमारे लिए एज एग्जांपल यहाँ पर सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन एक काम करते हैं, एक और इजी करते हैं इसको समझने के लिए और अच्छा करते हैं, मान लीजिए सप्लाई जोन ऊपर है, अभी चैनल पे नहीं आया है, चैनल पे नहीं आया है, इसको एक एग्जांपल लेते हैं। अब वो ट्रेडर्स क्या करेंगे, मान लीजिए आप रिटेलर हो तो ये वाला जब चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा, और सप्लाई पर टैप कर जाएगा, और एक और उसका रीटेस्ट हो जाएगा, तो आप अगर मान लीजिए रिटेलर्स हो तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर 100% बाय करोगे, ठीक है, ये तो समझ सबको आ रहा है कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है चैनल के पैटर्न का तो आप बाय करोगे उसको, ओके। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, हम एसएमसी ट्रेडर्स हैं, हमारे लिए नॉर्मल लिक्विडिटी स्वीप है, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर मान लीजिए एज एग्जांपल ले लो ट्रेंड लाइन का स्वीप नहीं होता, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही हो जाता है, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, ऑफकोर्स ही बात है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो होगा ही होगा, ओके, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है वो ट्रेंड में चल रहा है, तो ठीक है। और सप्लाई जोन में टैप करता है, यहाँ पर रिटेलर्स टैप होंगे क्योंकि हम यहाँ पर से सेल करेंगे, एज अ कन्फर्मेशन भी ले सकता है, कन्फर्मेशन कैसे लेंगे, प्रीवियस लो के टूटने पर कन्फर्मेशन लेते हैं, सप्लाई छोटा है स्ट्रांग सप्लाई है तो हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, इसी तरीके से करते हैं। कुछ पैटर्न्स वगैरह सब फेल्ड लगते हैं मुझे अब तो, पहले तो मैं भी यूज़ करता था, ऑनेस्टली बोलूँगा मैं जब नया शुरू किया था मार्केट, एसएमसी नहीं पता था मुझे भी, मैं भी करता था पैटर्न्स पर ट्रेड करता था, ये डबल बॉटम डबल टॉप मेरे को लगते थे, ठीक लगते थे थोड़े, और ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल, लेकिन अब सब फेल्ड लगते हैं, ये सिर्फ ट्रैप है, समझे थोड़ा बहुत भाई। मैंने कुछ चार्ट्स भी शेयर करा कि मतलब किसी चार्ट पैटर्न का ब्रेक, देखो यहाँ पर निफ्टी फिन सर्विस में आपने भेजा था इसका चार्ट भेजा था, यहाँ पर एक तरीके से हम बोलेंगे ये सेटअप मेरे को कुछ परफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना आपने जो जोन बनाया है वो ना यहाँ पर देखो कोई सप्लाई जोन से रिएक्ट हो रहा है और ना यहाँ पर ये जोन का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, भाई यहाँ पर कैंडल क्लोज हो चुकी है, ये स्वीप नहीं है ये ब्रेकआउट है, ओके ध्यान रखना, कैंडल क्लोज हो चुकी है यहाँ पे तो ये स्वीप नहीं होता है, और यहाँ पे भी आपने ये ट्रेंड लाइन बनाया है भाई, इसको आपको ऐसे बनाना ही नहीं था, ये एक मिनट कोई ज्वाइन किया है उसको इन कर लेते हैं, देखो ये जो आपने ट्रेंड लाइंस बनाई है यहाँ पे आपने चार्ट शेयर किया है मुझे, इसमें जो यहाँ पर है ना ये लिक्विडिटी ग्रैब है और ना ये स्वीप है, ये नॉर्मल पैटर्न का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है ट्रेड करने का, यहाँ पर आपका डिमांड तभी बनता जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता, सॉरी यहाँ पर ये सप्लाई तभी आपका फॉर्मेशन होता भाई जब ये वाला जो सप्लाई, ये लो दिख रहा है आपको, ये जो मेरा यहाँ पर एरो है ये लो का जब ब्रेकआउट हो जाता, कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाती तो ये एक परफेक्ट सप्लाई का काम करता, लेकिन अभी के लिए कुछ भी सप्लाई नहीं है, और ना ये वाला ट्रेंड लाइन वर्क करेगी, क्यों नहीं करेगी,
क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई स्वीप थोड़ी है, ये तो ब्रेकआउट है, ये काम ही नहीं करेगा ये सप्लाई। ऑफकोर्स इसमें अगर आप देखोगे तो आपका शायद स्टॉप लॉस भी हुआ होगा, अगर आपको याद है तो हुआ था इसमें स्टॉप लॉस। नीचे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले, मतलब एक ऐसे नीचे के जोन से मैंने एक बाइक के लिए ट्रेड ले ली थी जब, जिससे मुझे लगा था कि वो ब्रेक डाउन पे वो सेल की ट्रेड लेंगे। अच्छा नहीं नहीं भाई देखो, सबसे पहले आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, देखो आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से चल रही है वो मैं समझ गया हूँ। आपकी साइकोलॉजी चल रही है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, आप यही चाह रहे हो कि रिटेलर्स, आप भी पहले रिटेल ट्रेडिंग करते होगे भाई, करते थे ना, सब करते हैं भाई ऑनेस्टली, सबको पता है। या तो कोई बहुत बिगिनर होगा वो जी सीधे एसएमसी में कूदा होगा, या नॉर्मल जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ऐसे रिटेल ट्रेडिंग जरूर करते होंगे, ठीक है। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो कि आप पहले क्या करते थे उसी चीज को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो। मान लीजिए आप पहले सिमेट्रिकल ट्राइंगल पर ट्रेड करते थे, आप यहाँ से सिमेट्रिकल ट्राइंगल में ट्रेड करते थे, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, प्राइस हमारा क्या कर रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, सॉरी इसको हम सिमेट्रिकल ट्राइंगल राइजिंग वेज बोल लेते हैं, राइजिंग वेज में ब्रेक डाउन नीचे को होता है, ठीक है ये होता है। आप इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे थे, आप इसमें ट्राई कर रहे थे पहले, जिसमें आप ट्राई करते हो रिटेलर जब आप थे, आप यहाँ पर ब्रेक डाउन पर ट्रेड लेते थे, जब इसका ब्रेकआउट हुआ था रिटेस्ट पर एंट्री कर ली इस तरीके से। अब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं जो करता था वो उसका उल्टा करूं, आप अपने आप को ही ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो एक तरीके से, हम इसको बोलो क्या, आप अपने पुराने जो पुराना शिवम है जो रिटेलर शिवम उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, यही कर रहे हो ना भाई आप। हाँ लेकिन ये चीज मत करो, ये चीज मत करो, मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आप नॉर्मल सप्लाई डिमांड पर ट्रेड करो या लिक्विडिटी पर ट्रेड करो भाई, पूरा गेम ही इसमें लिक्विडिटी का है। इसी स्ट्रक्चर को समझो आप, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इसी को समझने की कोशिश करो। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ से ब्रेक डाउन पर ट्रेड करता, यहाँ पर हम वो करते क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते, रिटेलर्स जो थे वो यहाँ पर सेल साइड की ट्रेड लेते, क्योंकि ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट हो चुका है वेज का, ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैं यहीं से लोग सेल की ट्रेड लेंगे रिटेलर्स, तो मैं यहीं से बाई की ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन ये अफकोर्स बिल्कुल गलत है, ये गलत है, क्योंकि एक तरीके से इसमें दो चीज आपको देखनी पड़ती है, एक तो देखनी पड़ती है आपको, एक तो यहाँ पर जब राइजिंग वेज बन रहा है, ठीक है, ये 15 मिनट का पुल बैक हो सकता है, एग्जाम्पल ले लो ये नीचे को मार्केट आया था, 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में गए हैं 5 मिनट के स्ट्रक्चर में, ये 15 मिनट का पुल बैक है, क्या पता यहाँ पर कोई सप्लाई हो, सप्लाई के लिए मार्केट पुल बैक के लिए जा रहा हो, ठीक है ये हो सकता है, ठीक है समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये एक फ्रैक्टल डिमांड एंड सप्लाई होता है, वो लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं उसको, वही चीज आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल ले लो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, ये 15 मिनट में ही प्राइस नीचे को आ रहा है, 5 मिनट में ऊपर को जा रहा है, मतलब टाइम फ्रेम छोटा कर दिया है, 15 मिनट में एक कैंडल दिखती है तो 5 मिनट में 3 कैंडल दिखती है, समझ लोगे ना ये चीज। हाँ ठीक है, तो 15 मिनट में प्राइस नीचे को आया, 15 मिनट में ही ऊपर को जा रहा, लेकिन हमने टाइम फ्रेम छोटा कर दिया तो 5 मिनट में हमको वो 15 मिनट वाला ऐसा दिख रहा है। तो अब आप यहाँ सोच रहे हो राइजिंग वेज बन रहा था, इसमें ब्रेक डाउन होगा रिटेस्ट होगा तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि मेरे को रिटेलर्स को ट्रैप करना है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये 15 मिनट के स्ट्रक्चर बेयरिश ही हो और प्राइस सप्लाई जोन को टैप करने जा रहा हो। अगर आप यहाँ से बाई साइड की ट्रेड भी लोगे, बाई साइड की ट्रेड भी लोगे तो भी तो आपका स्टॉप लॉस होगा थोड़ी देर में, क्योंकि ऊपर तो सप्लाई है। और एक और चीज, आपने यहाँ पर इस चार्ट में गलती क्या करी, मैंने यहीं पर देखा अभी ये चीज, ये देखो आपने इसी के ब्रेकडाउन पर ट्रेड करी, यहाँ पर कोई भाई ट्रेड लेने के लिए सप्लाई था डिमांड था नहीं था। आप इसको भी अगर पढ़ना शुरू करो तो ये जो एरो है मेरा, देखो एरो जहाँ पे, यहाँ पर भी अगर ट्रेड लेते तो भी वो परफेक्ट हो गया, फिर भी कहने को एक डिमांड है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं था, तो ये तो बिल्कुल गलत था, क्योंकि आप अभी रिटेलर्स के माइंड से खेल रहे हो। अपने चार्ट को भी थोड़ा देखने की कोशिश करो कि किस तरीके से हमको कहाँ पर डिमांड सप्लाई है, कहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है भाई, हल्का हल्का समझोगे, समझोगे अभी थोड़ी देर में समझोगे, टाइम लगेगा भाई। जैसे बहुत से लोग ट्रायंगल पैटर्न इंटरप्रेट और ट्रेड करते हैं, उनको ट्रैक कैसे कर सकते हैं? भाई मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, सारा गेम लिक्विडिटी का ही है, सप्लाई डिमांड का ही है। इस चीज में यहाँ पर आपने क्या हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया, देखो यहाँ पर राइजिंग वेज बन रहा था, राइजिंग वेज बन रहा था, प्राइस हमारा आया था ऊपर से नीचे, ओके ये प्राइस आया था, प्राइस जब ऊपर को जाएगा तो ऐसे जाएगा,
ऐसे जाएगा, ठीक है, प्राइस ऊपर को जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू वाला नीचे को जो प्राइस आ रहा है ये 15 मिनट है, और जो ग्रीन वाला है ये ऊपर को जा रहा है जो, ये 5 मिनट है। ओके, 5 मिनट ये आ रहा है। और यहाँ पर हमारा, क्योंकि देखो प्राइस अगर नीचे, एक मिनट इसको और थोड़ा वो करते हैं, इजी बनाते हैं। देखो ये 15 मिनट ही है, इसको 15 मिनट ही लो आप, प्राइस ऐसे आ रहा था, देखो ये 15 मिनट, एक मिनट हाँ, ये 15 मिनट है, ठीक है। हायर हाइस, लोअर हाइस, लोअर लोज बन रहे हैं, ये देखो लोअर हाइस, लोअर लोज बन रहे हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये फिर 15 मिनट है, ये 15 मिनट ही है, लेकिन यहाँ पर से हमने इसके बाद देखो, ये पुल बैक था 15 मिनट का, ये देखा आपने पुल बैक था 15 मिनट, लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे हैं, ये पुल बैक था, तो पुल बैक पे एक सप्लाई जरूर बनेगा, यहाँ पे सप्लाई बन गया। सप्लाई बनने के बाद हमने ये टाइम फ्रेम जो अब खोल दिया है, ये अब जो यहाँ पर टाइम फ्रेम खोल दिया, ये 5 मिनट खोल दिया, क्योंकि हम पुल बैक देख रहे हैं। पुल बैक में जब पुल बैक होता है तो पुल बैक में ऑफकोर्स हायर हाइस हायर लोस ही बनेंगे, क्योंकि प्राइस ऊपर को जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर को जा रहा है, हायर हाइस हायर लोस फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें जब हायर हाइस हायर लोस फॉर्मेशन हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, वीक हाइस बनेंगे, जब ये अप ट्रेंड चल रहा है वीक हाइस बनते हैं, स्ट्रॉन्ग लोस बनते हैं, और वाइस वर्सा होता है हमारा लोअर ट्रेंड में, ठीक है। तो वीक हाइस बनेंगे, ब्रेक होंगे। तो आप इसमें, आपका इसमें कहना है कि मैं यहाँ पर प्राइस को ब्रेक कर देता है, तो रिटेलर्स क्या करेंगे, रिटेलर्स के लिए ब्रेक हो जाता है। अब वो करेंगे इस रिटेस्ट पे, इस रिटेस्ट पे एंटर, यहाँ पर रिटेस्ट पे एंटर करेंगे, तो यहाँ से वो लोग जब शॉर्ट्स के लिए एंटर करेंगे, मैं यहाँ से लॉन्ग के लिए एंटर कर जाऊंगा, आप ये ट्राई करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने, मैंने अभी बताया 15 मिनट का पुल बैक ये हो सकता है, आपको बहुत चीज देखनी पड़ती है, बहुत बार ऐसा भी होगा आपकी ये ट्रेड सही भी होगी, क्या पता, क्योंकि यहाँ पर से हमारा डिमांड बन रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग लोज बन रहे हैं तो डिमांड जरूर फॉर्मेशन होंगे, डिमांड फॉर्मेशन होंगे, बहुत बार चांसेस होती है, क्या पता आपका जो ब्रेकआउट के बाद मार्केट जब लोगों के लिए रिटेस्ट के लिए जा रहा है, रिटेलर्स के लिए ये मार्केट ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के लिए जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपके लिए ये सब डिमांड टच करके ऊपर को जा रहा है, तो इस केस में आप सही हो, क्योंकि ऊपर हमारा कोई सप्लाई भी नहीं है, ये कंडीशन ले रहे हैं, ऊपर सप्लाई नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में ना, यहाँ आपकी वाली कंडीशन में जो आपने मार्क किया है यहाँ पे कहा था ये, ना इसमें कहीं पर डिमांड है नीचे जहां से प्राइस ऊपर को जा रहा है, ब्रेकडाउन तो हुआ है ना, प्राइस ऊपर को जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि प्राइस बहुत नीचे को आया है, और बड़े टाइम फ्रेम में 3 मिनट का टाइम फ्रेम में शायद जो भी है 15 मिनट में ये शायद पुल बैक को जा रहा हो, यहाँ पर कोई सप्लाई हो, यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर को जाए, नीचे को वापस आ जाए, ये चांसेस हैं इसमें, तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो बहुत बार चांसेस हैं कि प्राइस आप यहाँ से ऊपर की साइड की ट्रेड लो, लेकिन ऊपर प्राइस हमारा पुल बैक करके 15 मिनट की सप्लाई को ट्राई करना चाह रहा हूँ, फिर नीचे को आए। इसमें भी, इस केस में भी रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं, लेकिन इसमें आप भी ट्रैप हुए हो, क्योंकि आप बिना डिमांड सप्लाई के ट्रेड कर रहे हो, आप रिटेलर्स का उल्टा ट्रेड कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है भाई। इसमें भी देखो तो रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं, रिटेलर्स यहीं से शॉर्ट जाएंगे, उनके एसएल हम यहाँ होंगे, उनके एसएल यहाँ होंगे, वो एसएल ग्रैब होते हैं, सप्लाई पे एंट्री मिलेगी ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर हुए तो एसएमसी ट्रेडर्स आप भी ट्रैप हुए हो, क्योंकि आपने बिना सप्लाई डिमांड के एंट्री कर ली है। ओके, समझ रहा हूँ। लॉरो भाई, ये नहीं है, हम कंफर्मेशन लेते हैं। हाँ बाय चांस हम 15 मिनट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम कंफर्मेशन कौन से टाइम फ्रेम पर लेंगे? देखो एक चीज नोट कर लो, देखो बैंक निफ्टी निफ्टी कर रहे हो तो 15 मिनट का चार्ट है, तो 3 मिनट का कंफर्मेशन ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी देखो ऐसा मैं कुछ डिपेंड नहीं करता मेरे पे कि मैं किस टाइम फ्रेम में स्पेसिफिक, ऐसा कुछ सेट है मेरा कि 3 मिनट पे ही लेनी है, ऐसा नहीं है। 3 मिनट पे स्ट्रक्चर कभी समझ में नहीं आता, स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा होता है, छोटा सा पुल बैक आ जाता है उसमें, और फिर ऊपर चला जाता है, फिर छोटा सा पुल बैक, इसमें समझ नहीं आता स्ट्रक्चर, ठीक है। कभी कभी 3 मिनट में भी ऐसा होता है, चाहे हमारे यहाँ सप्लाई जो मार्क्ड है वो 15 मिनट का है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इसी में आप 1 मिनट पे चले जाओ, तो 1 मिनट पे चले जाओ तो मैं 1 मिनट पे कंफर्मेशन ले लूंगा, क्योंकि उसमें मेरे को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, जिस टाइम फ्रेम में मुझे स्ट्रक्चर समझ में आए, जिस टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मुझे दिखे, प्रॉपर हायर हाइस हायर लोस बनते हुए दिखे, उस टाइम फ्रेम में मैं एंटर करूंगा, या उस टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लूंगा। बहुत बार ऐसा भी होता है, मुझे 5 मिनट में बहुत ज्यादा क्लियर मिलता है, बहुत ज्यादा क्लियर हायर हाई हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं, एक प्रॉपर जहां ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरे को देखने को मिले, तो मैं उस टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन कर सकता हूँ, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, ठीक है।
ठीक है, 1 मिनट में कभी कभी बहुत प्रॉपर दिखता है, कभी कभी 3 मिनट में प्रॉपर नहीं दिखता, 5 मिनट में नहीं दिखता, लेकिन 1 मिनट में बहुत प्रॉपर दिखता है कहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तो उसमें 1 मिनट में कर लो, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन 15 मिनट में कर रहे हो तो 3 और 5, 3 और 1 बेस्ट है। और भाई फ्राइडे हमारा एक रेट था जो आपने लिया था एंड वाला, लास्ट वाला भाई, हाँ उसमें भाई पीयूष ने कंफर्मेशन ली थी 1 मिनट पर इस पे GBP USD। हाँ भाई यही वाला। रुको मैं ये ट्रेड मैं ट्रेड समझाता हूँ आप लोगों को ये, ठीक है मैं ये ट्रेड समझाता हूँ आप लोगों को। उसमें तो पीयूष भाई ने कंफर्मेशन ली थी, वो मुझे एक तो कंफर्मेशन प्रॉपर नहीं लगी थी, क्योंकि वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ही नहीं था, वो विक पे कंफर्मेशन के लिए चले गए थे, लेकिन पूरा समझते हैं इस ट्रेड को। GBP USD बहुत इजी सेटअप था इसका, कुछ भी इतना बड़ा सेटअप नहीं था, बस बहुत लोग कंफ्यूज कर गए थे। हाँ हाँ मुझे ये बता दो ना, वो आप साइडवेज का बताने वाले थे वो आज? हाँ वो तो ऑफ कोर्स वो बताऊंगा, रुको बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, वो सुनोगे ना मजा आ जाएगा, वो बताता हूँ मैं पहले GBP USD का वो जो ट्रेड लॉजिक है ना वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं वही बताता हूँ। अच्छा वो याद दिला दिया, मेरे को याद नहीं थी उसकी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी या फिर? हाँ रिकॉर्डिंग में दूंगा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, ये देखो ऑन है। अच्छा चलो ठीक है, मतलब मैं फिर चला जाऊँ उसी हिसाब से, फिर मैं पूछना होगा तो आपसे चैट पे पूछ लूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी भाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो प्रोग्रेस पे है, मैं दे दूंगा शाम तक। तो ये आप यूट्यूब पे डालोगे? नहीं मैं पहले आपको दे दूंगा, यूट्यूब पर भी मन करेगा तो अपलोड करूंगा, क्योंकि वॉइस क्या है ना क्लियर नहीं आती मीटिंग्स में, तो यूट्यूब में शायद मैं अपलोड ना भी करूं, लेकिन आपको मिल जाएंगी, इतना समझने लायक आती है। अच्छा चलो ठीक है गौरव भाई, थैंक यू। ठीक है ठीक, देखो मैं इसमें लॉजिक बताता हूँ ट्रेड का, डेली से ही शुरुआत करते हैं, कि अब मेरे को याद नहीं क्या लॉजिक था इसका। एक तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही थी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, वेट क्या लॉजिक था भाई स्ट्रेट का? 1 आवर पर था भाई हमारा। हाँ हाँ वेट, मैं पूरा टॉप डाउन ही कर रहा हूँ ना, मैंने क्या लिया था करके, क्या किया था इसमें, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मार्क किया है। यहाँ पर डिमांड कौन सा बन रहा है? हाँ एक मिनट उस डिमांड को, मैं एक मिनट मेरे को देखने दो, यही है डिमांड जो मैं मार्क कर रहा था, और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब मैंने सोचा था यहाँ पे, और यही मेरा इसी में जब ग्रैब किया था ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ग्रैब किया था लिक्विडिटी को, उसी समय टैप भी किया था हमारे डिमांड पे, तो एज अ जोन में गया था कन्फर्मेशन पे, देखो तभी मैंने चेंज ऑफ करेक्टर मार्क किया है छोटे टाइम फ्रेम में, ये छोटे टाइम फ्रेम का इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर है, तो ये एज अ जोन कन्फर्मेशन एंट्री ही थी। 1 आवर में चलते हैं, बाकी देखते हैं, मैंने लॉजिक में कुछ याद सा नहीं आ रहा है इसका प्रॉपर, ये तो इतना याद है मुझे कि कन्फर्मेशन एंट्री थी, ये बड़ा सप्लाई मैंने तभी मार्क किया, सॉरी बड़ा डिमांड, इसको मैंने और ज्यादा रिफाइन किया था, तब स्टॉप लॉस ना छोटा है, सब बताता हूँ रिफाइन कैसे किया मैंने। चेंज ऑफ कैरेक्टर इसी को मैंने नॉर्मल इंटरनल स्ट्रक्चर पर ही चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया, शायद 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ये। हाँ 15 मिनट का ही चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ भी हो सकता था, ये भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर था, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पर मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 आवर में कुछ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मुझे नहीं आ रहा था, 1 मिनट पे एक प्रॉपर अगर स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर हम देखें वो यही था। ठीक है एक जोन यहाँ पर भी बनता है हमारा, एक जोन यहाँ पर भी बनता है, लेकिन इसको ट्रेड नहीं किया था मैंने, मैंने इसी को ट्रेड शायद मैं इसको कर भी लेता, ऐसा कुछ था नहीं, मैंने सही बताऊँ देखा नहीं इस टाइम पे, यहाँ पर थोड़ी बहुत तो बनी रही थी कंफर्मेशन पे, इसी यह प्राइस यहाँ पर था तो उस समय मैंने देखा था। अब इसमें मैं क्या किया था, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो मैं ढूंढता हूँ लास्ट एक्सट्रीम कैंडल, प्राइस ने जोन में टैप किया, 4 आवरली के जोन में टैप किया था, तो देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या है, देखो कभी भी प्राइस ऐसी टाइप कैंडल बनती है ना सर, बॉडी ऊपर हो
और विक थोड़ा नीचे को, कलर मैटर नहीं करता भाई, कलर ध्यान रखना कलर मैटर उतना नहीं करता, ऐसी बॉडी ऊपर की साइड हो और विक नीचे की साइड को सेम ऐसी है, ऐसी कैंडल्स थोड़ा सा ऐसे जो जोन्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं रिस्पेक्टिव तो दूसरे नॉर्मल जोन्स, जैसे ये पूरी ब्लू ब्लैक बॉडी वाली कैंडल है, ये पूरी बॉडी वाली कैंडल है, ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव में ये जोन्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जिसमें ऐसी कैंडल्स बनती हैं। तो ऐसी टाइप कैंडल बनी थी, एक प्योर लिक्विड थी, उसके बाद थोड़ा बहुत इम्बेलेंस के साथ एक प्रॉपर हमको देखने को मिला था चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो यहीं से मैंने इसी जोन पे एंटर किया था, इसमें यही मेरा जोन है, और रिफाइन किया होगा मैंने इसको, और रिफाइन किया था 15 मिनट में, क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉप लॉस छोटा ही था मेरा, 15 मिनट में चलते हैं, और रिफाइन किया था मैंने इस जोन को। कुछ नहीं भाई, नॉर्मल कन्फर्मेशन थी, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो आप समझ जाते क्या है। देखो इसमें था, यही मैंने इसी जोन पे एंटर किया था, यही था जोन, उतनी खास चली नहीं है, मेरा अभी भी गलती से ही होल्ड हो गया, मेरे को नींद आ गई थी, अभी भी होल्ड है, परसों प्रॉब्लम ना हो जाए कोई, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ है अभी भी ट्रेड, यही थी थोड़ी। इसकी क्या चीज, इसकी पे कंफर्मेशन तो अभी नहीं आई है ना? नहीं कंफर्मेशन नहीं आई, कंफर्मेशन जो ये एरो मार्क है ना, हाँ भाई, इसकी ब्रेक पे आएगी। ओके हाँ, कंफर्मेशन अभी नहीं आई है, पूरा रेंज ही बन गया था उसके बाद। आपका तो टारगेट हो जाएगा तब तक है? नहीं ऐसा थोड़ी है, मार्केट बंद हो गई, अब मार्केट गैप डाउन खुले, फिर भी मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, और मैं 0.10 का लॉट बुक कर चुका हूँ, अगर मेरा स्टॉप लॉस हो भी जाए, अब एक तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर दिया है, अब स्टॉप लॉस मैंने जो 7 pips का कर दिया है उसमें भी मैं कम से कम 10-12 pips बुक कर चुका हूँ, तो ओवरऑल मेरे को लॉस होने वाला ही नहीं है इस ट्रेड में। होल्ड नहीं करता मैं, ऑनेस्टली बताऊँ होल्ड नहीं करता, क्योंकि मैं मंडेज के लिए होल्ड नहीं करता हूँ, और क्या पता कोई भारी न्यूज़ आ जाए फॉरेक्स में, गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो 3 बजे मार्केट खुलेगी आज रात, उसमें कोई नहीं उठता है, लेकिन फिर भी बाई चांस हो गया मेरे से होल्ड। वो और वो चीज होता है एंड होता है, उस वक्त की लिक्विडिटी बहुत मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है उस वक्त, एक ये चीज होती है इसमें, एक ये चीज होती है कि सेशन की प्रीवियस सेशन के लो की और प्रीवियस सेशन के हाई की लिक्विडिटी मार्क करनी होती है, वो ग्रैब होने के बाद अगर मान लीजिए मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एग्जाम्पल ले लो आसान सा, ये लंदन सेशन है, ये लंदन सेशन का हाई फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर लंदन सेशन का हाई बना है और ये लंदन सेशन का लो है। ओके भाई ठीक है, सॉरी एशियन सेशन ले लेते हैं, एशियन सेशन मॉर्निंग में होता है तो एशियन सेशन लेते हैं, उसके बाद मान लीजिए हमारा यहाँ पर आ जाता है लंदन सेशन, आ जाता है यहीं कहीं ओपन होता है, ये एशियन सेशन का हाई है, इस सेशन का हाई की ग्रैप करने के बाद मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर देता है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन होगा, यहाँ पर जो जोन फॉर्मेशन होगा ना फिर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बस जोन को स्ट्रॉन्ग वीक बनाने के लिए काम करता है, और कोई भी जोन आप यहाँ पर बना रहे हो, ये डिमांड बना रहे हो यहाँ पर को, और नीचे आपको दिख रहा है कि सेशन लो की एशियन सेशन के लो है, तो वो शायद फेल हो जाएगा, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी ही होगी। इस तरीके से सेशन आप देखना, इसको गूगल में देखना कौन कौन से सेशन किस किस टाइम पे होते हैं, लंदन होता है, एक लंदन होता है शायद 8:30 बजे शाम के, 7:30 बजे सॉरी, ये इंडिकेटर है इसका, इंडिकेटर है सेशन का, टारगेट होगा क्या चीज इस सेशन का भाई, लोग हमारा टारगेट होगा? नहीं टारगेट तो प्रॉपर जैसे सप्लाई जोन पे ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉपर कोई डिमांड रख लो, जरूरी थोड़ी है सेशन के लो को टारगेट करोगे। ओके भाई हाँ, सेशन का लो तो बहुत लंबा हो जाएगा ना भाई। हाँ क्या चीज ना, कंफर्मेशन एंट्री वाले मैं कंफर्मेशन एंट्री कैसे करते हैं? चार शेयर करना भाई अपने, देखते हैं कंफर्मेशन आप कैसे ले रहे हो। ओके हाँ मेरे को याद है, याद है मेरे को, याद है मेरे को, चार्ट बस याद नहीं है कौन सा था, लेकिन आपने शेयर किए थे याद है। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है 1 आवर का जोन है ये, इसको मार्क कर लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ये मत कहना अगले दिन ट्रेड करने लग जाओ इसको, एग्जांपल दे रहा हूँ ये जोन है ठीक है। हाँ ये 1 आवर का जोन है, अब देखो कन्फर्मेशन कब लेनी है कब नहीं लेनी है ये भी देख लो, एक तरीके से
आपको लगता है इसके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है, या आपको ऐसा लगता है कि शायद जोन वर्क नहीं करेगा, या आपको लगता है प्राइस अच्छे से नहीं आ रहा है, एक मिनट प्राइस अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा है इस जोन के ऊपर? मैंने बताया था रिटर्न टू जोन कंसिडरेशन थ्योरी, फर्स्ट टॉपिक है कोर्स में, आपको याद होगा तो, उसमें करेक्टिव रिटर्न, राउंडेड रिटर्न और वी रिवर्सल रिटर्न। अगर आपको लगा वी रिवर्सल रिटर्न आ रहा है जोन की तरफ, प्राइस ऐसे आ रहा है फिर ऐसे ही चले जा रहा है, तो उस केस में कन्फर्मेशन कर सकते हो। कन्फर्मेशन कैसे करनी है उसके भी तरीके होते हैं। इससे पहले तो देख लो, मान लीजिए कन्फर्मेशन आपको नहीं करनी और स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा, आप एग्जांपल ले लो ये 88 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं है, या आपका पास 30 या 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में, तो कन्फर्मेशन की जरूरत नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग डिमांड हो या ना हो कन्फर्मेशन के लिए मत जाओ, क्योंकि 20 पॉइंट्स से छोटा जोन करने का कोई फायदा ही नहीं है, इतना तो बैंक निफ्टी ऐसे ही विक्स में ले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन हो फिर भी उसका स्टॉप लॉस जो हो 88 पॉइंट्स का हो, तो ऑफकोर्स उसमें कन्फर्मेशन जाओ, क्योंकि स्टॉप लॉस कन्फर्मेशन हमको जोन डिफाइन करने के भी काम आता है। एक तो जोन रिफाइनमेंट प्रोसेस होता है आवली से 30 मिनट, 30 मिनट से 15 मिनट, वो अलग प्रोसेस है। एक कन्फर्मेशन आपको फिर भी एक जोन बड़ा मिलता है तो उसमें भी आप कन्फर्मेशन ले सकते हैं। एक कन्फर्मेशन एंट्री आपको जोन तो छोटा करके दे ही देगा, ठीक है। आवली का जोन है, दोबारा जाते हैं, आवली का जोन है, 15 मिनट में कन्फर्मेशन चाहिए आपको, 1 मिनट आवली में फिर से जाते हैं, गो स्पीड लगाता हूँ। ये प्राइस आई, ठीक है, ये आवली में प्राइस आई आपकी, ऐसे कंजेस्टेड लग रहा है ऐसे तो। ये प्राइस आई है आपकी, ठीक है, ये आवली की प्राइस है। अब अगर आप आवर्ली में ही कंफर्मेशन के लिए जाओगे तो नॉर्मल, मैंने आपको बार बार बताया है, जो स्ट्रॉन्ग लोज होता है या एक प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, सब ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, एक क्या कहते हैं उसको, सही लो ले लो एग्जांपल, हायर हाईज हायर लोज बनते हैं, ये हमारा प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है। प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद सबसे नीचे सबसे फर्स्ट लो होता है, या इस परफेक्ट लो, एग्जांपल ले लो, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, हाँ स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग लो तो कुछ और हो चुका है, परफेक्ट लो होता है जिसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, वो वाले लो को हम लेते हैं एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। याद रखना वही लो होता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला, जिसने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हो। अगर यहाँ पर प्राइस ऐसे आता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं करते, हमारा लो नहीं होता भाई, लो वही होता है जो एक प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कोई लो नहीं करता है तो वो हाई को स्किप करके ऊपर जाए, क्या चीज मतलब जो एक हमारे हाई को स्किप करके ऊपर जाए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे। हाँ हाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वही होता है जो एक प्रॉपर मतलब सॉरी लो वही एक प्रॉपर होता है जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आवली में लो। तो आवली में लो अगर आवली में ही कन्फर्मेशन के लिए जाओगे तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का जोन ही होगा ये वाला, इतनी दूर भाई, इसके लिए तो कोई भी वेट नहीं करेगा, ऑफ कोर्स ही बात है। तो इसमें हम इस प्रोसेस इस चीज में हम करते हैं कंफर्मेशन एंट्री। 15 में चले जाओ, 15 मिनट में आपको क्या दिखेगा, जो हमारा प्राइस जब रिएक्ट कर रहा था आवली में तो एक स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन 15 मिनट में एक फ्रैक्टल डिमांड या सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है उसमें, जब मतलब आज पोस्ट डालूंगा इंस्टा में उसकी, देखना समझ जाओगे बहुत ईजी है। 15 मिनट में ये कुछ ऐसा चल रहा होगा, ठीक है, ऐसा समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो आवली में प्राइस सीधा आ रहा है और चेंज ऑफ कैरेक्टर का प्रीवियस लो जो लो है वो ये है, ठीक है, लेकिन इस केस में 15 मिनट में जाओगे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लोगे तो इसमें जो जोन है वो हमारा ऐसे चल रहा होगा, हमारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये बन रहे होंगे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद एक प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का प्रीवियस लो कौन सा होगा, हमारा ये वाला जोन होगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब हमारा ये वाला जोन टूटेगा, ये वाला लो टूटेगा, ठीक है। अब फिर हमारा कंफर्मेशन एंट्री के लिए लास्ट अनमिटिगेटेड सप्लाई, यहाँ पर लास्ट अनमिटिगेटेड सप्लाई है, उस सप्लाई को एज ए जोन हम ले सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, इस सप्लाई को हम लेंगे एज ए जोन, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, फिर हम टारगेट ले सकते हैं आवली का लो, पहला टारगेट तो इजी ये ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर से कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आएगा, ठीक है। तो पहला टारगेट हम ये ले सकते हैं, हाँ अनमिटिगेटेड जोन। देखो मैं तो सिंगल कैंडल मिटिगेशन जो होता है उस पर भी उतना काम नहीं करता, मेरे को तो अनमिटिगेटेड ही चाहिए। सिंगल कैंडल मिटिगेशन क्या होता है, उसमें कभी जोन फॉर्म होता है कुछ भी नहीं है, बेकार सी स्ट्रेटेजी है एकदम, कभी यूज करोगे पता चलेगा। एक नॉर्मल उसमें अगली या तीसरी चौथी पांचवी कोई भी कैंडल हो, वो एक हल्का टैप करके नीचे को चली जाती है, फिर भी उस जोन को लोग यूज करते हैं,
मेरे को वो उतना प्रॉपर नहीं लगता वो एंट्री टेक्निक। हाँ हाँ रेंज जरूरी है भाई। देखो क्योंकि एसएमसी एक ध्यान से देखो ना, एसएमसी क्या चीज है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। उसमें क्या करना है कि उसमें हम लोग करते हैं दो टाइप से एंट्रीज, एक तो लिक्विडिटी हो गई। लिक्विडिटी कैसे बनती है, एक जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स हो और एक जहाँ पर स्टॉप लॉसेस हो, यही दो तरीके होते हैं हमारे लिक्विडिटी फाइंड करने के या एंट्री करने के। हम एंट्री वहीं करते हैं जहाँ या तो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे या बिग बैंक्स के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और कभी भी रेंज बनती है, रेंज बनती है इसका मतलब यहाँ पर रेंज क्यों बन रही है, इसका मतलब यहाँ बायर सेलर्स लड़ाई कर रहे हैं। मैं इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, यहाँ पर बायर सेलर्स लड़ाई कर रहे हैं, तो एक रेंज बन रही है ना, प्राइस ऊपर को जा पा रहा है ना प्राइस नीचे को आ पा रहा है। तो जहाँ पर बहुत बड़ी रेंज का फॉर्मेशन होता है उसका मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा बाई सेल ऑर्डर्स लगे पड़े हैं, ठीक है, तभी तो एक रेंज बन रही है ना, प्राइस ऊपर जा रहा है ना बायर्स बाय कर रहे हैं तो सेलर सेल कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स का यहाँ पर खेल हो रहा है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रेंज में तो यहाँ पर रेंज बनती है, रेंज बनने के बाद जो ब्रेकआउट आता है, अगर ये रेंज ने लिक्विडिटी ली है तो और बढ़िया बात, लेकिन अगर जो इसके बाद का जो ब्रेकडाउन आएगा, इसके बाद का जो ब्रेकआउट आएगा रेंज के बनने के बाद, उस रेंज में वो ज्यादा परफेक्ट होगा क्योंकि वहां पर ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, वहां पर ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, समझे, क्योंकि जितनी बड़ी रेंज हो, इस रेंज में यहाँ पर कोई डिमांड बने, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, हमने इसको डिमांड मार्क कर दिया, तो ये स्ट्रांग नहीं होगा उतना, ठीक है, ये स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई रेंज नहीं बनी है, रेंज नहीं बनी है। हम नहीं कह सकते यहाँ पर कोई पेंडिंग ऑर्डर्स अच्छे हैं या नहीं है, यहाँ पर रेंज बन रही है। यहाँ पर अगर इस लो का ब्रेकडाउन हो जाएगा, इस लो का ब्रेकडाउन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो अनमिटिगेटेड डिमांड हमारा बनेगा, एक मिनट, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है, तो यहाँ पर हमारा डिमांड बनेगा वो एक स्ट्रांग बनेगा, सॉरी सप्लाई बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि एक रेंज के बाद आया है, तो तब मैं करता रेंज। और किसी को कल का पोस्ट याद है मेरा इंस्टा में क्विज, हाँ भाई, उसका आंसर क्या था, बहुत लोग मैंने देखा सी आंसर कर रहे हैं भाई, सी बिल्कुल ट्रैप है, उसका आंसर बी था, सी था यार मेरे हिसाब से, ना बी था उसका आंसर, बी बी नहीं, मैं बताता हूँ उसका बी का था, मैं उसे ढूंढ कैसे, हाँ हाँ जोन बी था, रुको मैंने अपने दोस्त को शेयर करी थी वहाँ पर भाई, फेयर वैल्यू गैप था ना यहाँ, वेट मैं समझाता हूँ ज़्यादा फैक्टर हो सकता है, आइए राणा आइए वाले, ये ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करो, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत लोगों ने गलती भी करी इसको, लेकिन समझो आप लोग, जो जोन सी है उसमें क्या है, ह्यूज इम्बेलेंस तो है ऑफ कोर्स, ठीक है, ह्यूज इम्बेलेंस तो है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लेकिन कुछ रेंज फॉर्मेशन नहीं हुआ, 3 मिनट का स्ट्रक्चर था ये, ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैंने बताई नहीं थी यहाँ, और इससे कोई इतना कुछ खास नहीं है। देखो इसमें क्या था, मैंने आपको बताया, एक मिनट रुकना, मैं इसको खोलता हूँ, एक मिनट बस देखो, जो जोन सी है ना यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है प्रीवियस जोन की, तो और लेकिन यहाँ पर कभी भी इतना बड़ा इम्बेलेंस बनता है और लास्ट जोन होता है। देखो ये लास्ट जोन है, इससे ऊपर आपको नीचे कोई जोन दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे नहीं, कोई भी जोन नहीं है, तो जो भी लास्ट जोन होता है ऐसे इम्बेलेंस के साथ, तो 100% हर एसएमसी ट्रेडर जिसको थोड़ा एसएमसी आता है या बहुत एसएमसी आता है, वो सब लोग जोन सी में ही एंटर करेंगे, ऑफकोर्स आप लोग भी करते, ठीक है, तो ऐसे जोन्स में हमको एंटर नहीं करना, क्योंकि यही तो होते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप्स यही होते हैं, क्योंकि अब तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ना उनको ही पता है, सबने एसएमसी सीख लिया लगभग, तब उनकी स्ट्रेटेजी फेल्ड कह सकते हैं ना, तो यही ट्रैप करते हैं हम लोग, यही ट्रैप करते हैं, क्योंकि ये सबको परफेक्ट दिख रहा है ह्यूज इम्बेलेंस के साथ, लेकिन परफेक्ट दिखेगा, लेकिन ऑनेस्टली मैं भी होता, मैं इस जोन में ट्रेड नहीं करता, मैं इसी वाले जोन में ट्रेड करता, क्योंकि उससे भी ज़्यादा परफेक्ट ये वाला जोन है, जोन ए तो लगभग ठीक ही है, जोन ए तो अब कुछ कह नहीं सकते, प्राइस अच्छे खासे अगर हैवी डाउनफॉल में है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेट लाइन टाइप में गिर रहा है, तो जोन ए का वेट नहीं कर सकते हम, जोन बी का ही वेट करो, जोन बी में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी ली है और प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी भी ली है, तो जोन बी ही परफेक्ट है। और रेंज देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसी चीजों में, रेंज कितनी बड़ी रेंज फॉर्मेशन हो रही है, उतनी ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वहां पे,
ठीक है। हेलो गौरव भाई। हाँ भाई बोलो। अच्छा भाई, हेवी बियरिश मार्केट या हेवी बुलिश मार्केट पे कैसे ट्रेड ट्रेड करते हैं? हेवी बियरिश मार्केट या हेवी, एग्जांपल बैंक निफ्टी बोल रहे होगे आप? हाँ हाँ। हाँ ठीक ठीक। देखो स्ट्रक्चर काम ही नहीं करता, मैं बता रहा हूँ उसमें उसमें क्या चीज करनी है। सबसे पहले तो इसी चीज के लिए मैं आपको बताने वाला था कि मार्केट साइडवेज है, होने हो सकती है, या मार्केट क्या कहते हैं उसको, रेंज बाउंड हो सकती है, उसका कैसे पता लगाना है। नॉर्मल जाओ आवली कैंडल में, आवली टाइम फ्रेम में जाओ, ठीक है। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, बहुत परफेक्ट काम करता है, प्रैक्टिस किया है मैंने अच्छा खासा। कभी भी देखो फर्स्ट आवली कैंडल, फर्स्ट आवली कैंडल जो मार्केट में फॉर्म होती है उसको मार्क करो, उसका हाई और लो मार्क करो। ये था हमारा फर्स्ट आवली कैंडल 9:15, ठीक है। इसका मैं हाई और लो मार्क कर लूंगा यहाँ पे, ये हमारा हाई रहा और हमारा ये रहा लो, ठीक है। अगर कभी भी मार्केट में आप अगर देखोगे, मार्केट में जो आवली का डिफरेंस होता है, आवली मतलब आवली कैंडल का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं कि पूरे दिन भर मार्केट वही रेंज में बनता बना रहेगा, क्योंकि ना वो ब्रेकआउट कर पाएगा ना वो ब्रेकडाउन कर पाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा होता है आवली टाइम फ्रेम का जो गैप होता है, ये देखो इस आवली कैंडल को अगर आप देखोगे, ये वाली जो फॉर्म हो रही है हमारी, इसमें जो रेंज है वो कैंडल की बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी, तो कन्फर्म था इसमें ब्रेकडाउन ज़रूर आएगा, ब्रेकडाउन ज़रूर आएगा, आया ना ब्रेकडाउन भाई देखो। तो इसका मतलब कभी भी रेंज बहुत छोटी बनती है फर्स्ट आवर में, तो इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है किसी भी डायरेक्शन में, जहाँ को भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए। नेक्स्ट देगा एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे इतनी बड़ी आवरली कैंडल बनी थी, तो इस दिन तो 100% था, ये थर्सडे था याद है मेरे को, थर्सडे था, 100% था, कहीं कोई भी ब्रेकआउट नहीं आया। इतनी बड़ी जब रेंज बन जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है मार्केट रेंज के अंदर ही घूमेगा, ठीक है। यही है, कुछ भी इसमें टॉपिक नहीं है, मैंने ऑब्जर्व किया, ये होता है बहुत बार होता है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। 9:15 की कैंडल और देखना, यहाँ पर देखो कितना छोटा सा रेंज बना था तो ब्रेकडाउन हुआ, और 9:15 की कैंडल देखो, देखो इसमें इसमें हुआ ब्रेकआउट लेकिन बहुत देर में, 2:15 के आसपास हुआ, इसमें बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी 9:15 की, तो पूरा दिन भर मार्केट वहीं पर घूमा। ये देखो मार्केट इसी कैंडल का ब्रेकआउट डाउन ही नहीं कर पाया, ये है 9:15 की कैंडल और मिलेगी हमको, ये 9:15 की कैंडल देखो, इसमें भी लगभग थोड़ा बड़ा ही था रेंज, बड़ी ही थी बैंक निफ्टी की, ये थी शायद 9:15 की कैंडल, ये बंद कर दो ना माइक, भाई माइक बंद कर, हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। फर्स्ट आवरली कैंडल का रेंज ले लो, किस रेंज कैसे रेंज पे है, तो उस हिसाब से ट्रेड करना। रेंज बहुत बड़ी है तो शायद मार्केट रेंज में ही रहेगी, ठीक है। और अगर बहुत छोटा सा है डिफरेंस आवरली कैंडल फर्स्ट आवरली कैंडल का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग ही रहेगी। हेलो। हाँ पीयूष बोल रहे हैं। हाँ भाई बोलो। हाँ ये कह रहे थे कि जैसे मेरा मतलब टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट का, ठीक है। हाँ ठीक है। तो मतलब दो ही वो रहते हैं साइड की, या तो अपट्रेंड करेगा तो डाउन ट्रेंड करेगा। हाँ अपट्रेंड में जैसे हायर है हायर लो बनता है। हाँ तो कभी कभी होता है कि जैसे मान लो 15 मिनट में हमने वर्क किया, 15 मिनट का वो हायर हाई जो वो ब्रेक हुआ तो बहुत हुआ, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे वो एक POI जोन मार्क करते हैं कि प्राइस यहाँ पे टैप होगा तब हम यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। स्मॉल वो टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेकर। हाँ कंटिन्यूएशन ट्रेड आपका एग्जांपल है, कंटिन्यूएशन ट्रेड कहते हैं उसको। तो इसमें मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, वो स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ फिर ऊपर गया, फिर उस प्राइस के वहां तक नीचे आने तक जो मेरा POI जोन है उसके नीचे आने तक हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब जैसे 15 मिनट का, तो 5 मिनट के बहुत स्टॉक में डाउन ट्रेंड में लेकर। हां देखो इसको कहते हैं पुल बैक ट्रेडिंग, जब मैं अभी थोड़ी देर में पहले आपको समझाया था एक चीज, देखो 15 मिनट में आपको सीधे स्ट्रेट लाइन दिखेगी और वो पुल बैक होगा 15 मिनट का ऐसा, लेकिन 5 मिनट में आपको ऐसा दिखेगा लोअर हाई लोअर लोज बनते हुए। फिर आपका कहना है कि हम इसी में ट्रेड कर सकते हैं पुल बैक के लिए, कर सकते हैं लेकिन प्रीवियस डिमांड तक, स्ट्रिक्टली प्रीवियस डिमांड तक। थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है कंटिन्यूस ट्रेंड के साथ ट्रेड करने से, अपोजिट है, क्योंकि क्योंकि जरूरी थोड़ी है भाई, देखो जरूरी थोड़ी है मार्केट हमारी डिमांड तक आएगा ही आएगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है
जरूरी नहीं है कि वो हमारी डिमांड तक आए, क्या पता वो डिमांड तक ना आए ऊपर से कहीं चले जाए, क्योंकि हम मार्केट तो बुलिश है ना, तो जरूरी थोड़ी हमारी डिमांड तक आए। उस केस में आपने टारगेट यहाँ रखा होता है, मार्केट टारगेट तक नहीं आता, थोड़ी देर में स्टॉप लॉस लेके जाता है, तो उस थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन 1:3 के आसपास की ट्रेड मिल जाती है। लेकिन मैं नहीं करता, मैं स्ट्रिक्टली कर, मान लीजिए कि जैसे आज हमने वो बॉस देखा, ठीक है, और हाँ। मेरे पीओआई जोन पे आने तक मतलब कि एक 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 से दो दिन निकल गया, हाँ। ठीक है, तो मतलब मेरा ये मानना है कि एक से दो पेयर पे ट्रेड करते हैं, तो मान लीजिए जो ब्रेकआउट हुआ है, हाँ। ठीक है, और एक से दो दिन में मतलब ट्रेड अगर करना चाहे तो क्या मतलब दूसरे पेयर पे जाना चाहिए कि उसी पे एंट्री तोड़ लेनी चाहिए डाउन साइड से? देखो फॉरेक्स का एग्जांपल ले रहे हो आप, और बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल ले रहे हो कि ये सबके साथ होता है ये जो आप बोल रहे हो, क्योंकि फॉरेक्स में क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी एंट्रीज होती हैं बहुत ही दिन बाद आती हैं, और फिर वहां पर क्या करने लग जाता है प्राइस में, आपको समझ गया बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी होती है, तो मेरे को समझने में टाइम नहीं लगा क्वेश्चन को, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल ले लो, मैंने इसमें कोई ना कोई जोन मार्क किया था यूएसडी जेपी में, मेरे को याद है, ये देखो यहाँ का मैंने जोन मार्क किया था इसको, और प्राइस समय यहीं पर था, यहीं पर, ठीक है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया, प्राइस सीधे इतना ऊपर चलेगा, और प्राइस अब यहाँ पहुंच चुका है, तो मेरा जोन खत्म। अब मैं इसके लिए वेट नहीं करूंगा भाई, देखो इसके लिए वेट नहीं करूंगा, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं नीचे साइड की ट्रेंड नहीं लूंगा, देखो ऐसे पुलबैक्स को नहीं लूंगा, ये मैं इनको नहीं लूंगा, मैं इन्हीं के अपोजिट, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं इनको लेने की कोशिश करूंगा, इनके लिए जाने की कोशिश करूंगा, समझे? देखो मार्केट मेरा डिमांड है, मैं कह सकता हूँ मेरा डिमांड यहाँ पे था, वो मिस हो चुका है मुझसे, तो हमको जब ट्रेड लेनी है कैसे भी लेनी है, 5 मिनट में ही लेनी है, पुल बैक लेनी है, तो क्यों ना हम बुलिश ही ट्रेड ले लें, क्योंकि हम अपोजिट ट्रेड भी ले रहे हैं, तो वो भी तो हम लोग एक तरीके से पुल बैक टाइप ही ले रहे हैं ना, तो क्यों ना हम ट्रेंड के साथ ही चले। तो यही मेरा कहना, मैं हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलता हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा होती है, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है ना, तो चांसेस ज्यादा होती है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा या डिमांड को रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोज बनते हैं, जो ये लोज होते हैं ना, ये प्रोटेक्टेड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लोज होते हैं, तो बहुत चांसेस होती है इनको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जो हाइस बनते हैं वो वीक बनते हैं। इस केस में आप लोग बेरिश साइड की ले रहे हो, तो आपके बहुत चांसेस हैं जो हाइस होते हैं वो टूट जाएंगे, तब मैं कह रहा था इन्हीं में ये मत ट्राई करो कि हम लोग यार डिमांड तक जाने तक इसकी नीचे की ट्रेड ले लेते हैं, ऐसे ये चीज मत करो, आप ये चीज ट्राई करो कि हाँ यहाँ पर के डिमांड से ये रिएक्ट कर गया, तो क्यों ना यहीं से बुलिश ट्रेड ले ली जाए, इस चीज को ट्राई करो, समझे? हाँ, और एक और क्वेश्चन था, हाँ, तो कभी कभी होता है कि जो अगर 15 मिनट मतलब मेरा मेन 15 मिनट का ही है, तो 15 मिनट में होता है क्या है कि प्रीवियस कैंडल जब स्वीप करती है लिक्विडिटी, आप देखे होंगे हमेशा, हाँ हाँ, हर जगह पे दिख जाता है, मतलब बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, तो उस पे क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल कर सकते हैं? देखो शॉर्ट टर्म के लिए तो कर सकते हैं, 15 मिनट में कर रहे हो तो 15 मिनट में ना, देखो फॉरेक्स में क्या चीज होती है, 15 मिनट में चार कैंडल्स भी अगर बनेंगी, एक मिनट, 15 मिनट में ही जाता हूँ। देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट मेरे को तो अप ट्रेंड ही रहता है, यूरो यूएसडी में कभी याद नहीं है, हाँ यूरो यूएसडी अप ट्रेंड है डेली में, 4 आवरली में देखो, देखो पीयूष भाई टॉप डाउन अप्रोच देखना, ठीक है, मैं कैसे देख रहा हूँ अभी फॉरेक्स को, ये देखने की कोशिश करो, मैं सबसे पहले यूरो यूएसडी को चेक किया इसमें, ठीक है, आवर डेली टाइम फ्रेम, मेरे को ये अभी भी थोड़ा बहुत बुलिश ही लग रहा है, ये नहीं कहूंगा इस लो को ब्रेक हो जाएगा, इस लो को ब्रेक तो मैं कहूंगा हाँ शायद अब पुल बैक के लिए मार्केट जा सकता है। पुल बैक के लिए क्यों जा सकता है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप हो चुका है, इसमें वीकली जोन देखते हैं एक बार, क्या पता ये कहीं से रिएक्ट कर रहा हूँ, ये देखो मैंने कहा था ना कहीं से रिएक्ट कर रहा है ये चीज, ये देखो, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये वाला जो जोन टूट जाता है, ये वाला लो टूट जाता है, तो एक तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ये तो समझ रहे हो ना पीयूष भाई, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तो मैं अब इस चीज का यूरो यूएसडी का कैसा एनालिसिस करूंगा और किस टाइप के मैं ट्रेड छोड़ूंगा वो देखते हैं। तो अभी के लिए ये एक प्रोटेक्टेड लो है, मैंने कहा था जब भी मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाता है तो ये प्रोटेक्टेड लोज बनते हैं, ठीक है, तो ये वाला लो अभी के लिए प्रोटेक्टेड है, लेकिन हमको देखना है क्या कहीं ने लिक्विडिटी ली है या कुछ किया है, सॉरी 4 आवर वो चीज देखना, मेरे ख्याल से 4 आवर लिक्विडिटी ली है इसने, तभी मैंने मार्क किया है इसको। हाँ देखो 4 आवर की डबल
इक्वल लोज लिक्विडिटी, यहाँ पर दो ब्लैक कैंडल्स के इक्वल लोज थे, उनको लिक्विडिटी को लिया है, फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। 4 आवर में आपको साफ नजर आएगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, 4 आवर में नजर आएगा आपको। ये देखो ट्रेंड क्या चल रहा है, ये देखो बुलिश चल रहा है, तो यहाँ पर से ये है। लेकिन हमको ये भी पता है कि वीकली के सप्लाई से रिएक्ट कर रहा है प्राइस, तो ये हमको माइंड में रखना पड़ेगा और जाना पड़ेगा ओनली ऑन कंफर्मेशन। कभी देखो प्राइस जोन में एंटर कर चुका है लेकिन मैंने आप लोगों को ट्रेड नहीं दिए, अगर मैं वेट खुद वेट कर रहा हूँ कन्फर्मेशन का। कभी भी सप्लाई से प्राइस रिएक्ट कर रहा हो कितना भी स्ट्रांग हो, बिना कन्फर्मेशन के ट्रेड मत लो। एक तो वीकली सप्लाई, ठीक है, 4 आवर में गए, अभी तक मेरे को इसमें कुछ ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, 2 आवर में गया, 2 आवर में इसमें जाऊंगा मैं, 2 आवर में भी यही जोन है और प्राइस ने जो प्रीवियस लो लगाया है, और एक तरीके से प्राइस अभी के लिए करंट सिनेरियो देखेंगे हम पूरे फेब में लोअर हाइस लोअर लोज ही बना रहा है, ठीक है। अब उतने पीछे का अगर हम भूल भी जाएंगे, क्योंकि हम पूरा एक दिन के लिए 10 मिनट के ट्रेड के लिए पूरा डेली स्ट्रक्चर तो नहीं देखेंगे उसमें, तो 2 आवरली में भी देखो बहुत समय से प्राइस हायर हाइस हायर लोज सॉरी लोअर हाइस लोअर लोज ही बना रहा है, ठीक है। 1 आवर में चलते हैं, इसी को समझते हैं। 1 आवर में प्रॉपर आपको दिखने लग जाएगा कि एक प्रॉपर लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे हैं, इतनी लेट कौन जान कर रहा है, लोअर हाइस लोअर लोज 30 मिनट चलते हैं, 30 मिनट में प्रॉपर बता लेगा। प्रीवियस हाई अगर देखो अभी चेंज ऑफ करेक्टर का भी देखो तो मेरे को अभी भी फिर भी यही दिख रहा है, ये यही कहूँगा ये वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है अभी भी इसमें। और ये जोन है, ये मैंने पहले से ही मार्क किया है, ये लिक्विडिटी स्वीप का एरिया है, ये एक कर सकता है शायद सप्लाई करना। देखो और एक और चीज़ पीयूष भाई याद रखना, कभी भी डिमांड्स होते हैं ना जो स्ट्रांग डिमांड्स होते हैं, जैसे ये स्ट्रांग डिमांड्स है, अभी हमको पता है यहाँ पर जो डिमांड है वो स्ट्रांग है, अगर ये डिमांड का ब्रेक डाउन हो जाता है, ये डिमांड फेल हो जाता है, तो यहाँ पर का जो सप्लाई है जो ये मार्क किया है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अभी आपने सुना है डिमांड फेल सप्लाई वाला क्या कहते हैं उसको, प्राइस फेल डिमांड वाला, डिमांड को तोड़ के जो प्राइस जिस सप्लाई ने डिमांड को फेल किया होता है वाला जो सप्लाई फॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये वाला सप्लाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वर्क करेगा अगर ये डिमांड फेल हो जाए तो, ठीक है। 15 मिनट में चलो एक लास्ट और क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो। कभी कभी होता है ना कि जैसे अभी यूएसडी का हम लोग देख रहे थे, हाँ, तो अभी जहाँ पे आपने वो मार्क किया लाइन देखिए ऊपर, हाँ एक मिनट आप बताना ये वाली लाइन इसके ऊपर वाली, हाँ हाँ इसके ऊपर जो लाइन है, हाँ मैं समझ गया बताओ। तो हुआ क्या ना कि अब जैसे इसके लेफ्ट साइड में हमने वो डिमांड जोन मार्क की थी, तो मेरा क्या रूल है कि 15 मिनट पे हमने वो मार्क किया है, अरे लोअर लो लोअर है, ठीक है, हाँ। तो अभी 15 मिनट क्या कहते हैं इसको पीवाई जोन पे अगर प्राइस टैप किया तो मेरा होता है कि 1 मिनट पे कंफर्मेशन है, ये बहुत स्ट्रांग ब्रेक के, हाँ परफेक्ट यही सही है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे प्राइस गया इतनी तेजी से गया उस पे टैप करके सीधे पे नीचे आ गया, ना बहुत स्ट्रांग मिला ना हमें क्या कहते हैं, हाँ तो उस केस में मिस्ड एंट्री भाई, डिमांड फेल्ड, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते इस केस में। उसमें देखा आपने कोई न्यूज थी? नहीं न्यूज नहीं थी, तो सेशन ओपनिंग टाइम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा भाई, इतना तेज प्राइस रिएक्ट किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ इस टाइम तो थोड़ा रिस्की रह जाता है, इस टाइम थोड़ा होगा प्रॉब्लम होगी, तो मतलब वहाँ पे मान ले कि यहाँ पे एंट्री मिस हो चुकी है ना, ठीक है बस ये प्रश्न। हाँ हर पेयर में सेम ही काम करेगा फॉरेक्स, बस एशियन में थोड़ा वॉलेटिलिटी कम रहती है शुरू के टाइम में, क्योंकि क्या होता है ना फॉरेक्स जो है वो यूएस के ट्रेडर्स या इन सबके ट्रेडर्स ज्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो लंदन और न्यूयॉर्क का जो सेशन होता है मान लीजिए एग्जांपल 3 बजे से दिन के 3 बजे से रात के 11-12 बजे तक, जब तक यूएस मार्केट बंद नहीं होती, okay.
ये जो लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस का होता है ना, ये सबसे ज्यादा अच्छा सेशन होता है। और जो ये दूसरा सेशन होगा एशियन सेशन वगैरह, इनमें कोई ट्रेड ही नहीं करता इस टाइम पे। ये सुबह का टाइम होता है, सुबह 8:30 बजे से 10-12 बजे 12-1 बजे तक इस टाइम पे कोई ट्रेड नहीं करता। तो 5 बजे ली थी ट्रेड, और भाई उसने बहुत ही जल्दी टारगेट हिट कर दिया था यार, लगभग 15 मिनट में। अच्छा अच्छा, कौन किस टाइम पे करी थी, सुबह के 5:30 बजे? 5 बजे भाई। हाँ अच्छा, होता है होता है, ऐसा नहीं है भाई सेशन वर्क ही ना करे। सेशन तो वर्क करेगा, एशियन सेशन है, करता है वर्क। चाइना जापान के ट्रेडर्स उसी टाइम ट्रेड करते हैं। ओके भाई। हाँ, उसमें आप कभी ध्यान देना, जो जेपीवाई वाले ट्रेड्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं जिस समय एशियन सेशन चल रहा होता है। हाँ भाई, मैं जेपीवाई का ही था यार, मैं मुझे लगता है। हाँ, उसमें ये ट्रेड, क्योंकि जापानीज का टाइम होता है ये ट्रेड करने का, एशियन सेशन है ना, ऐसा करता है हल्का हल्का वर्क। भाई मानकर चले लंदन सेशन चल रहा है और उस समय जीबीपी में ज्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। नहीं, वॉलेटिलिटी तो देखो जीबीपी और यूरो यूएसडी में सेम होता है। कभी भी आप मूव देखोगे ना, जीबीपी या यूएसडी में सेम होता है, और यूएसडी और जेपीवाई ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये दोनों नीचे आएंगे। जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी नीचे आ रहे होते हैं कभी भी, ठीक है, तो उसके ही अपोजिट चल रहा होता है हमारा यूएसडी जेपीवाई। ओके भाई, ठीक है, ऐसा होता है इन तीन पेयर्स में, कभी भी ध्यान देना। और यूएसडी यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी लगभग सेम स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है। और कभी भी ध्यान रखना, जीबीपी यूएसडी में आपको बहुत स्ट्रांग अगर सप्लाई मिल रहा होता है, ठीक है, आप 100% वहां से एंटर करने की सोचते हो, लेकिन यूरो यूएसडी में आप देखते हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग वो है, क्या कहते हैं, डिमांड। आपको लगता है ये डिमांड तो वर्क करेगा ही, तो शायद आपका या तो डिमांड फेल होने वाला है या सप्लाई फेल होने वाला है एक ना एक पेयर में, क्योंकि मूव दोनों में लगभग सेम साइड रहता है। और कभी भी आप देखना, यहाँ पर मान लीजिए ये डिमांड फॉर्म हुआ है हमारा, और सेम यही डिमांड हमारा यूरो यूएसडी में ही फॉर्म हुआ है यहीं पर, और दोनों में एक साथ को अगर टैप मिल गया तो बहुत बहुत तेज आपको टारगेट आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही मूव करते हैं। आप देखो ना, हल्का सा स्ट्रक्चर रीड करो 4 आवर का यूरो यूएसडी का, और सेम वही जीबीपी यूएसडी का करो, लगभग सेम डाउन ट्रेंड ही है, और लगभग दोनों सेम, ये 0.47 माइनस है, ये 0.62, लगभग इतना ही रहेगा दोनों में, सेम सेम रहता है। कभी ऐसा नहीं हुआ यूरो यूएसडी पॉजिटिव है और जीबीपी यूएसडी नेगेटिव है बहुत। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो कभी भी न्यूज लिखी होती है ना, आप एक्सनेस में देखो या मनी कंट्रोल में देखो, किसी भी न्यूज देखो, तो उसके आगे पेयर का नाम लिखा होता है, या किस देश से रिलेटेड है या किस पेयर से रिलेटेड न्यूज है वो भी लिखा होता है। ओके भाई, मान लो पीएम किसी की स्पीच है, अमेरिका की स्पीच है किसी पीएम की, तो उसके आगे लिखा होगा आपका यूएसडी, इसका मतलब यूएसडी जिन पेयर्स में है उनमें ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। ओके, लेकिन थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट हर पेयर में दिखता है। हाँ भाई बोलो। एक भाई मतलब, हाँ बोलो बोलो। इस चीज पे वर्क करना, ये बताइए जो आपको मेरी गलती दिखी उस वजह से। भाई देखो, मेरे को तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी वही माइंडसेट ही लग रहा है अभी, ऑनेस्टली बताऊंगा। आप पुराने सीएम को ट्रैप करना छोड़ो, आप एसएमसी में कहाँ जोन कहाँ लिक्विडिटी है उसको फाइंड करने की कोशिश करो, तो वर्क करेगा। आप ये मत सोचो कि यहाँ, सुनो, आप ये मत सोचो कि यहाँ पर रिटेलर्स ट्रैप हो जाते आप, क्योंकि उस चीज केस में शायद आप भी ट्रैप हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई डिमांड होना, कोई सप्लाई होना, आप बस रिटेलर्स के एसएल पे एंट्री कर लो, ये चीज बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आपको भी वहां पर कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा आपको। ओके